फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चना दाल चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ रोस्टेड चना दाल ली है, जो जिसे हम दालिया बोलते हैं, जो चिवड़ा में डालते हैं हम, भुनी हुई चने दाल आती है, ये दालिया बोला जाता है। इसे मैंने 2 घंटे के लिए सोक कर दिया था। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गई है ये सोक करने के बाद। अब इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है साफ पानी से। ये मैंने 1/2 कप लिया है दालिया, मैंने 1/2 कप ली है रोस्टेड चना दाल। इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ज्यादा टेस्टी है। आप किसी भी चीज के साथ इसे खा सकते हैं, इडली, डोसा, चपाती, राइस, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप हरा धनिया। हरा धनिया डालेंगे, फ्रेश हरा धनिया 1/2 कप डालना है। 1/2 कप मैंने यहाँ दालिया ली है रोस्टेड चना दाल और 1/2 कप ही लिए है मैंने हरा धनिया। अब इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्ची। मैंने यहाँ रफली चॉप कर ली है 3 हरी मिर्ची ली है मैंने यहाँ। 1 टुकड़ा अदरक, इसे भी लंबाई में काट लिया है रफली। 6-7 लेंगे हम लहसुन की कली, गार्लिक। 8 से 10 लेंगे करी लीव्स, करी पत्ता। करी पत्ता लेंगे फ्रेश 8 से 10। अब इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस, 1/2 नींबू डालेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा पानी डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। ये देखिए चटनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा थिक ही रखा है स्टार्टिंग में, क्योंकि हम इसमें 1/2 कप दही भी डालेंगे। मैं आइडिया से डाल रही हूँ, 1/2 कप दही लेंगे, दही ज्यादा खट्टा नहीं है। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, दोबारा से ग्राइंड करेंगे हम। ये देखिए चटनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं दही डालने के बाद ये पतली हो गई है। जितनी थिक आपको रखनी है और जितनी पतली रखनी है आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत इजी भी है ये। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।